सुधी आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रिया शोक से व्याकुल हो गई। वो विलाप करते लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वह पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों से सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्ष उल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा से अधीन होकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, ये पंपा कैसे शोभा पाए? इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें बहुत से पद्म उत्पल खिले हुए, तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा भी और भी बढ़ गई। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दिया। यहाँ के ऊँचे ऊँचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं से कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते। परंतु इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे ये पंपा बड़ी सुहानी लगती है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते। नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त इसका जल बहुत ही शीतल और ये बहुत सुखदायिनी प्रतीत होता। कमलों से भारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे, मृग आदि पक्षु भी पक्षी सब और छा रहे। नई नई घासों से ढका हुआ ये स्थान अपनी नीली नीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए हैं। इसे ऐसा जान पड़ता मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए हैं। चारों वृक्षों के अग्रभाग फूलों से धार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब और से लिपटी हुई है। सुमित्रानंद, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही जिसके कामना का उद्दीप्त हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल होती है। ये चैत्र का महीना है, वृक्षों से फूल और फल लगे हुए हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने के इस वनों के रूप को देखो। इस फूलों की वर्षा कर रही है जैसे मेघ जल की दृष्टि करते। वन के विविध वृक्ष वायु के वेग से झुमझुम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे, यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्ष के झड़ रहे जो अभी डालिए में लगे हुए उन सभी फूलों के साथ साथ अपनी वायु खेल सा रहा है। फूलों से हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को जब झोर की हुई वायु जब आगे ही बढ़ती है तब अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशो गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि से साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रहे। मत वाले कोकिला के कलनाद माध्य का काम देता है। उन वाद्यों की साथ वायु झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए, वृक्ष एक दूसरे से घुटे हुए भांति जान पड़ते। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाला ये शीतल वायु शरीर से सू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ता है। यहाँ थकावट दूर हुई बल बह रही और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैल रही है। मधुर मकरंद सुगंध से भरे हुए वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे। अपने रमणीय पुष्ट भागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मनोकुल लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शुक्रों वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे। जिनकी शाखाओं का अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंक से हिल रहे भ्रमरों के पगड़ी से रूप में सिर पर धारण किए हुए वृक्ष ऐसे जान पड़ते मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ किया। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्य के समान शोभा पा रहे। सुमित्रानंद, नाना प्रकार के विहंगम के कलवरों से गूंजता हुआ ये वसंत का समय सीता से बिछोड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हुई, ये कामदेव सीता विषय अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा।
कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट हर्ष के साथ बोलता हुआ जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझे राम को शोक मग्न किए दे रहा है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों उसका शब्द सुनकर आनंद मग्न होती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्ष झाड़ियाँ और लताओं से लिवड़े। सुमित्रानंदन देखो ये पक्षियाँ नर पक्षियों से संयुक्त तो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रहे। भौरों का गुंजारों सुनकर प्रसन्न हो रहा है, वो स्वयं भी मीठी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे। जल कुकुट में रति संबंधी कुंजन तथा कोकिला के कमलों कमलाद के व्यास में मानो ये वृक्ष मधुर बोली बोलते हैं, मेरी अनंग वेदनाओं को उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्पों से लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार और नूतन पल्लव इसके लाल लपटे हैं तथा भ्रमरों का गुंजारों भी इस जलती आग को चटचट शब्द रहे। सुमित्रानंदन यदि मैं सूक्ष्म बैरियों और सुंदर केस वाले मधुर भाषिनी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर सी हो रही, इसकी सीमाओं में सब कोयल की मधुर कुकु सुनाई पड़ती। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता है। अनंग वेदना से उत्पन्न हुए शोक से शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों को ईंधन पाकर बढ़ गई। जान पड़ता ये मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी इस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इस मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ जिनके लिए मेरा ये अनंग जोर और बढ़ गया। विधि नंदिनी सीताया मुझे नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मेरा शोक बढ़ता है। मंद मलयानी के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला ये वसंत भी मेरे शोक को वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझे राम को और भी संताप दे रहे हैं। साथ ही ये वन में बहने वाले चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मनियों के बने हुए गवाक्षों जो समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से वायु से कंपित हो रहे, इधर उधर नाचते हुए कैसे शोभा पा रहे। मयूरियों से घिरे हुए मदनमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुई मेरी काम पीड़ा और भी बढ़ा है। लक्ष्मण तो देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वो मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मनी मन अपनी उसी रामाप्रिया अनुसरण कर रहा है। अपने मधुर स्वर में मेरा उपवास करता हुआ जान पड़ता है निश्चय ही वन में किसी राक्षस से मोर की प्रिया का अपहरण किया नहीं किया, इसलिए ये रमणीय वनों में अपने वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सही है। लक्ष्मण देखो तिरिय योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय मोरनी कामभाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित है। यदि विशाल नेत्र वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो भी इसी प्रकार प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आए। लक्ष्मण इस वसंत ऋतु में फूलों से भार से संपन्न हुए इस वनों में ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से मेरे लिए कोई भी प्रयोजन नहीं रहा। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाला यह वृक्षों से फूलों से निष्फल होकर भ्रमर समूह के साथ एक पृथ्वी पर गिर जाते। हर्ष से भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरों की बुलाते हुए इच्छानुसार कलवर कर रहे और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती वहाँ भी यदि इस तरह वसंत छा रहा हो उसकी क्या दशा हो। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं होगा, तो भी मेरे बिना वो कमजोर नेत्र वाली कमल नहीं सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो परंतु उसे शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी, अतः वो बेचारी सुंदर सीता क्या कर सकेगी जिसकी अभी नई नई अवस्था
प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र, वो मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा ज्ञान की निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में विचार दृढ़ होता जा रहा कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विधेय कुमारी हार्दिक अनुराग मुझ में ही और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वता विधेय नंदिनी में सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहाने वाली वो शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर भी मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, ये वही वायु सीता के विरह में मेरे लिए शोक जनित हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों पक्षी कौवा आकाश में जाकर काव काव करता था और उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वो कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष से समय अपनी बोली बोल रहा है, इसमें सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ हो। वही पक्षी जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैधी के अपहरण का सूचक हुआ किंतु आज यही जैसी बोली बोल रहा है, उसमें जान पड़ता कि मुझे विशाल लोचनी सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनके ऊपर की डालियां फूलों से लदी है, वन के वृक्षों पर कलतर करने वाले पक्षियों का ये मधुर शब्द विरही जनों को मदोन्मत्त बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा, मानो कोई प्रेमी कामदमत से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा। ये अनेक प्रिय वाहिनी काव्य पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला ये वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्प गुच्छ द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदनमत्त हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्य के समान दिखाई देते। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियाँ इधर उधर किन्नर विचरण कर रहे। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल से सब और खिले हुए सुगंधित कमल प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हुए हैं। पंपा का जल बड़े ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल नील कमल खिले हुए, हंस कारंडव आदि पक्षी सब और फैले हुए तथा सौगंधिक कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे। जल में प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रहे। उस कमल के केशोरों को भ्रमरों से प्राप्त किया है, इसमें चक्रवात सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथी और मृगों के समूह से इस पंपा की शोभा और बढ़ा रहे। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा को निर्मल जल से बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दोल के समान विशाल नेत्र वाली विधेय राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। अहो, ये कार्य कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाले उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्ष वाला ये वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई वेदनाओं को मैं किसी तरह मन में ही रोक सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती वो आज उनके बिना असुंदर जान पड़ते हैं। लक्ष्मण, कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आँखें इनको भी देखना चाहती हैं। कमल केसर का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच में निकली हुई सौरभयुक्त मनोहर वायु सीता का निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रानंदन देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई करण की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ ये पर्वतराज ऋषमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए सब और से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पुष्ट भाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष इसी से जल में अभिषिक्त हो बड़े मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए। इनका नाम इस प्रकार मालती मल्लिका पद्म करवर ये सब के सब फूलों से सुशोभित है। केतकी सिंदूर सिंदुवार वासंती लताएं सुंदर फूलों से भरी हुई गंध भरी माधवी लता कुंद कुसुमों से झाड़ियाँ
सब शोभा पा रहे। चीनी बिल्वा, महुआ, बेर, मैलसरी, चंपा, तिलक, नाग केसर भी दिखाई देते। पर्वत के पुष्ट भागों पर पद्य खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते। वहाँ सिंह के अलाई की भाकी पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, पुरंट, चूर्ण, पारिभद्र, आम, पाटिल, कोविदार, मुचुकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे हुए हैं। केतक, उद्दालक, सिरिस, शीशम, धव, सेमल, पलास, लाल कूर्बक, तिनिक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, शांदन, हिलांत, तिलक, नागकेसर के पेड़ भी फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं। सुमित्रानंद, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए उन लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के मनोहर बहुसंख्य के वृक्षों को भी देखो। ये सब के सब यहाँ फूलों से भार भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डाली हिली रही थी, वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सकता। सोलोनी लताए नदनमत सुंदरियों की भांति अनुसरण करती, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों से आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए मधु एवं सुगंध से संपन्न, कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहा है। वो भ्रमर राग से रंगा हुआ ये मधुर स्वादिष्ट तथा अधिक खिला हुआ इत्यादि स्वस्थ फूलों से ही लीन हो रहा है। पुष्पों से छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है, ससा अन्यत्र चल देता। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचरण कर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित हुई भूमि ऐसी सुखदायी नहीं हो गई मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार के विशाल शिकाय शिलाएं उन पर झड़े हुए भांति भांति के पुष्पों से लाल पीले रंग सैया के समान दिए। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का वैभव को देखो। इस चैत्र मास में वृक्ष मालूम परस्पर होठ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, इस वृक्ष की ऊपरी डालिया पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रही वे भ्रमरी गुंजार वर्षी कोलाल पूर्ण हो रहा है मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे। ये कारण्डव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी भार्या को आह्वान करते हुए उद्दीप्त सा लग रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोहर रूप है संसार के उसके मनोहर गुण विख्यात है उचित है। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, साधु विशिता दिख जाए यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे, हम इंद्रलोक के जाने की इच्छा होगी न अयोध्या लौटने की होगी। हरी भरी घासों से सुशोभित रमणीय प्रदुष सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या राज्य भी मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी न दूसरे के दिव्य भोगों की अभिलाषा होगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित वृक्ष वल्लभ सीता के बिना मेरे वन मन में चिंता उत्पन्न कर देता है। सुमित्रा कुमार, देखो पंपा का जल कितना शीतल, असंख्य कमल खिले, चक्रे विचरण करते, कारण्डव निवास करते। इतना ही नहीं, जल कुकुट तथा क्रौंच भरे हुए एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते। चहकते हुए पक्षियों से पंपा की बड़ी शोभा हो रही। आनंद में निमग्न ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीताभिषेक अनुराग को उद्दीप्त कर देते, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे निपुण अवस्था वाली कमलनयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण होता है। लक्ष्मण, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ही हरिण अपनी विचरण कर रहे हैं। नग्नयनी सीता से बिछड़ गया इधर उधर विचरणते हुए मेरे चित्त को व्यथित किए हुए। सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपने आराध्य प्रियतमा के साथ रहकर पद्म सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहाने वाली शीतल मंद शोकनाशक पंपा वन की वायु का सेवन करते वो धन्य है। वो नहीं अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछोड़कर
बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती हुई। लक्ष्मण, धर्म को जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जन समुदाय में बैठकर मुझे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन भेजे जाने पर धर्म का आश्रय मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित हताश हो जाने पर मेरा साथ नहीं छोड़ा, वही मेरी अनुसरण किया करके उसने बिना अत्यंत दीन होकर ऐसा जीवन धारण किया। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित, जिसकी मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती, वो निर्मल चचक आदि से चिन्ह से रही जनक किशोरी उस दर्शनीय मुखों को देखे बिना मेरी सुदबुद्ध हो ही जा रही है। लक्ष्मण, वैदिक के द्वारा कभी हंसकर कभी मुस्कुराकर कभी वो मधुर हितकर लाभदायक बातें जिनकी तुलना नहीं की, वह अब सुनने को मिलेगी। 16 वर्ष की अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंगदेव मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया। इस प्रकार प्रसन्न से होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेगी मेरी बहुरानी कहाँ है, तो मैं उसे क्या उत्तर दूँ। लक्ष्मण, तुम जाओ, भातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण युक्ति युक्त निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने में संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। स्वजनों के अवश्य भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात का स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति का त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल से डुबो दी जाने पर भी जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उसने अधिक दूर चला जाए तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता है। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वो सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों को हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता के साथ लेकर दीति के गर्भ से जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिला कुमारी लौटा न दे तो मैं वहाँ से उसे मार डालूंगा। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया वो पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करे उन्हें उस अभिष्ट अनर्थ की प्राप्ति ही हो सकती है। भैया, उत्साह भी बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साह से पुरुष के लिए संसार में कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता वो पुरुष कठिन से कठिन कार्य पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक से पीछे छोड़कर कामिकी से व्यवहार का त्याग दीजिए। आप महात्मा कृतात्मा पवित्र अंतकरण वाले है, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए, आप स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण से इस प्रकार समझाने पर शोक संतप्त चित्त हुए श्री राम मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा स्वरूप को लांग कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था अतः वो दुख में डूब गए थे, महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कई भी बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरने तथा कंदराव सहित संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे प्रस्थित हो गए। मत वाले हाथी के समान विलासपूर्वक गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए रघुनाथ जी के मन की अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल का द्वारा रक्षा करने लगे। कुशमुख पर्वत के समय विचरण वाले बलवान वानरराज सुग्रीव पंबा के निकट घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा, फिर तो इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानरराज सुग्रीव तो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया, वो महान दुख में पड़ गए।
मतंग मुनि का यह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसने वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वो दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदाई अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन महा तेजस्वी श्री राम लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चल दिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे प्रथम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।